हेलो हेलो फ्रेंड, फ्रेंड, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू माय माय चैनल। चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सिंधी सॉन्ग जिसका नाम है अले मरा मर वरा, जिसे गाया है अली जफर और उरूस फातमा ने। तो चलिए इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। और ये फर्स्ट टाइम सिंधी सॉन्ग पर रिएक्ट करने वाले हैं। अगर आपको इसी तरह का और कंटेंट देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बादशाह हर जगह हो जाएंगे। बिल्डिंग देखो कितनी हेरिटेज। और ड्रेस इन्होंने सब एक ही जैसे पैटर्न की पहनी हुई है, कितनी प्यारी लगती है इस तरह की ड्रेस। जॉकेट भी, सिक्की, शॉल। अर्चर किसको कहते हैं? इतना प्यारा सिंधी सॉन्ग, हमने तो पहले इससे पहले कभी सिंधी सॉन्ग, सिंधी लैंग्वेज भी नहीं सुनी थी। और थोड़ा सा बस तमन्ना भाटिया के ज़रिए रब्ते में थे कि सिंधी लोग भी होते हैं, सिंधी इस तरह के, और सिंधी कल्चर को जानने की भी बहुत ज़्यादा वो थी। लेकिन आज जो है सिंधी कल्चर, सिंधी ड्रेसेस, अर्चक, अर्चक के बारे में ये इस तरह का पैटर्न अच्छा लगता था, देखते थे, बहुत पसंद आता था। लेकिन पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। ये लगता था कि राजस्थान या जैसे गुजरात की ड्रेसिंग रहती है, हैंडवर्क वैसे ही है। लेकिन ये डिफरेंट वर्क है, तो थोड़ा अच्छा लगा जानकर कि ये अजरक है, अर्चक है, सॉरी कम्प्लीटली नाम ही पता था ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और सॉन्ग लैंग्वेज कितनी प्यारी, और तारीफ करनी पड़ेगी उरूस फातिमा की, क्या रेंज ले रही थी, क्या एनर्जी लेवल था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे थे सॉन्ग सुनकर, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। और अली जफर तो वैसे भी रॉक स्टार है, इनका रैप भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन था और वीडियोग्राफी भी बहुत ज़्यादा प्यारी हाँ, थी। बहुत ही बहुत बहुत ही पूरा
वो किया था। हाँ पूरे उस पूरे एरिया को वो दिखा रहे थे, और साथ में उन्होंने जो है रैप में हर जगह का नाम, हर फेमस चीज़ का नाम, आजक का नाम, लतीफ़ का नाम, सभी का नाम भी उन्होंने सबको मेंशन किया जो 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 चीज़ वहाँ की फेमस है। और साथ ही उन्होंने लास्ट में जो है आजक के लिए अपील भी की कि लोग जो है ओरिजिनल ही खरीदो। ये सही भी है, हर चीज़ में जो जो बेच रहे हैं और जो ख़रीद रहे हैं उन्हें जो है ओरिजिनल ही पर फोकस करना चाहिए, ओरिजिनल देना चाहिए ताकि उसका फेम बढ़े। अगर आप जो है उसको कोई लोकल चीज़ दे देंगे और बाद में वो जो उसके लिए जो है उसका फेम ख़त्म हो जाएगा इसी तरह धीरे धीरे, तो ओरिजिनल ही दें, बेचें और ओरिजिनल ही ख़रीदें। अगर आप नहीं जान रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत पहचान है तो उसको जो है ओरिजिनल को ही ख़रीदें और कोशिश करें। जैसे आपको नहीं आता ओरिजिनल चीज़ की नहीं पहचाने, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा लोकल एरिया के लोगों से बात करके थोड़ा बहुत पहचान कर कोशिश करके ओरिजिनल ही लें। और सामने ये अली ले क्या कह रहे थे? अली का मतलब जैसे ये कोई ओ मतलब आलाप नहीं लेते हैं उस तरह का, वो अली का मतलब शायद आई होप यही होता हो। बाकी तो ऑडियंस बताएगी कि अली का मतलब क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको फॉलो अप करने की। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।